छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। वहीं मुंगेली में रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक गर्मी से बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहां आने जाने वाली खुली धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। यहां यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है और न ही बस स्टैंड पर कोई सुविधाएं हैं। बस स्टैंड की हालत खस्ताहाल है, जिसके चलते आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला बनी कम से कम 5-6-7 साल हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी बस स्टॉपेज बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं पर भी नहीं बस स्टॉपेज, ना पानी पीने का सुविधा है, ना कहीं रुकने का स्थान है, बिल्कुल कुछ नहीं है। नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ भी सुविधा प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं मुंगेली में किसी भी जगह बस स्टॉपेज सेट कहीं भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसके वजह से सारे जो भी यात्री लोग हैं वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन नगर प्रशासन को इसका कोई भी मीन्स कहना चाहिए कुछ चिंता ही नहीं। और अभी आप देख सकते हैं बस स्टैंड का भी हालत इतना बदतर हो गया है कि वहाँ जा कर के भी खड़े रहोगे तो पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि कहीं कहीं पर पीने के लिए जल पानी प्रोवाइड कराना चाहिए, और यात्रियों के लिए पेड़ तो है नहीं कि साय में बैठ सके इंसान, लेकिन कम से कम एक शेड लगा देना चाहिए जैसे सारे लोग बैठ करके कम से कम थोड़ा सा रेस्ट कर ले और फिर जहाँ जाना वहाँ जा सके। और नालियाँ तो फिर मुंगेली का तो माशाल्लाह, यहाँ तो देख सकते हैं आप साइड में नाली है पूरा, और स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल नहीं जलती रहा नाइट के समय, स्ट्रीट लाइट जरूर है और यहाँ से पूरा खाली रात को बिल्कुल स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी तो पूरा अंधेरा रहता है, एक भी लाइट नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं।